हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। और आज हम मीना जी के जा रहे हैं, वहाँ किट्टी पार्टी हो रही है, तो वहाँ एंजॉय करेंगे और आप लोगों ने वहाँ जाके दिखाते हैं हम कैसे एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं। और जी आप भी गुरु जी का सत्संग सुना करो, बहुत कृपा हो रही गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी से अरदास किया करो, सबका भला चाहया करो, किसी का बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और अच्छे इंसानों की संगत में बैठो, बुरे इंसानों की संगत में बिल्कुल मत बैठो, किसी की चुगली चांटा मत करो, किसी का बारे में बुरा मत सोचो। सबका भला चाहोगे तो ऑटोमेटिक भगवान आपका भला करेगा। और मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं कि मैडम इस हमारे सत्संग को अपने यूट्यूब पर डाल लो, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है और मैं सेटअप अपना नहीं बैठा पा रही हूँ। तो मैं उन संगत जी का मैं ज़रूर सत्संग आपको सुनाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, शब्दा भला करो गुरु महाराज जी की, जय हो जय हो जय हो। हाँ राधा जी, किस क्या क्या किटी पार्टी होली आज आधी आधी बहुत मजा आया मीना के घर। अरे वाह, आज की किटी पार्टी मीना के नाम। मीना जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। अरे हमारा खाना है ना फिनिश हो गया, जब याद आई वीडियो बनाना। हाँ, खाना बहुत चल रहा है, मेरी प्लेट ही है भाई साहब। क्या खाना है, क्या खाना, मजा आ गया। रजनी कैसा लगा खाना? मस्त मस्त। मीना जी बनाती मस्त है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा नंबर वन बिल्कुल। और भाई साहब का हाथ का खाओ तो मजा ही कुछ और है। नहीं वास्तव में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। खाएंगे तब ना, तो रोटी खाए थे बहुत अच्छा बनाए थे। आपने खाई हुई है पहले रोटी? हाँ, मैंने ना खाई है अभी। बताओ, मेरी बारी है। दूर जाके मैं खा लिया। अरे सैलेड वाली कढ़ाई। ये सैलेड की कढ़ाई है, सैलेड इसी में बनाती है मीना जी, क्योंकि इसमें सारा मिक्स हो जाता है ना, नींबू वगैरह सब कुछ, बड़ा अच्छा लगता है सैलेड की कढ़ाई, नींबू तो भी आप भी ऐसी कढ़ाई लेकर आओ और उसमें सैलेड बनाया करो, बहुत अच्छी कढ़ाई है और उनका टेस्ट भी अलग से होता है। सिल्वर है ना? क्यों राधा जी? हाँ एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करेंगे ना, ये कढ़ाई लेके चलेंगे। हाँ ये बात भी सही है, जहाँ भी पार्टी होगी वहीं कढ़ाई ले लेंगे। हाँ, क्योंकि इस कढ़ाई का स्वाद अलग है। नींबू का ना और बर्तनों में ना रिएक्शन होता है, रिएक्शन हो जाता है, लेकिन इस पे जो ये देख स्टील की है। हाँ, रायते के लिए ये। अच्छा, इसमें रायता बहुत अच्छा बनता है। ऐसा मैं भी ले लूंगी। हाँ, फिर आपके घर जब पार्टी होगी तो इसी को ले जाना। हाँ, ये ले, दो चीज ले चलेंगे, कढ़ाई और एक कढ़ाई एक ही है। हाँ, ये बीच में काम करेंगे ना। हाँ, ये किट्टी किट्टी का स्पेशल बन जाएगा, जो बना रहा उसी को ले चलेंगे। नहीं बर्तन चाहिए, नहीं बात बर्तन यार बना तो लेंगे, ऐसे थोड़े ना परेशान करेंगे। जो नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी। अरे वो मेरा गिलास है, मेरा गिलास कहाँ गया, मैंने तो पानी पिया ही नहीं। ये लो मेरा गिलास है, मैं पानी बाद पी। ये मीना जी का देसी गांव वाला मटका, बहुत ठंडा, देखो इसका पानी पिया भी अभी हमने, वो फ्रिज का नहीं था। ये मटका जादुई मटका है, जादुई पानी ठंडा हो जाता। और भाई एनर्जी ले लो, यहाँ देखो ऑक्सीजन मिलेगा। कैसी वीडियो बना रहे हो आप? चलती है भाई, सब देख गुरु महाराज जी बैठे।
सही है ना, एकदम सही है, बिल्कुल राइट। सबसे अच्छा ये मटका लगा जो पानी ठंडा हो जाता है, मटके में पानी ठंडा ही होगा। चलो अपने घर इनके काली पी लिया, चलो अपने घर अपना अपना पैसा पर्स में वापस रख लो। दिखाया ही खाए। हम तीनों की वो यारी जो लाखों पे है भारी, जान ले ये दुनिया सारी। ला 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 ला, ए होता है क्या याराना, ये जाने वो दीवाना जिसने। गाइस बोलते कलयुग आ गया, कलयुग तो सच में आ गया। ये देखो कलयुग उल्टा सीन हो रहा है, उल्टा भाई हमारे गोरों के पैर भड़क रहे हैं, नजर लगी हमारे गोरों भाई साहब। और वो भी तब जो मम्मी खुद बीमार पड़ी है। मम्मी यही तो ममता है माँ बाप की। सबसे पहले नजर तो घर वालों की लगती है फिर मम्मी। हम दोनों सबसे पहले बीमार हुआ था, मतलब हमारे भी नजर लगाई है किसी ने। घर वालों के ही लगती है ना सबसे पहले। मैं नाम ले तो मेरे किसकी नजर लगी है, सारी देखती है पता है। जिसकी नजर लगी है। अच्छा समझ गए। दो दिन गई दौड़ लगाने के लिए भाई, हाय ऐसी हाय गेरी, उसके बाद में इच्छा ही ना करा। डेली सोच के सोऊं सुबह फिर जाऊंगी लेकिन इग्नोर। अरे द्वार पालो भाई, हम गौरव की सेवा कर रहे हैं। गौरव का नहीं पता हमारी सेवा करेगा, ना ऐसी नौबत नहीं आएगी जो हमारी कोई सेवा करा। नहीं हमें सेवा नहीं करवानी किसी से। मम्मी आपने कितना वजन है? मेरे अंदर भाई साहब मेरे अंदर 65 किलो वजन है पता है, और अब तो कम हो गया। मधु वो ले का ना अपनी मशीन तोलन की मशीन, देखो कितना क्यों ना भी वो डालने पड़ेंगे भाई। इतनी आलसी जीव है कितनी बताऊं, इतनी आलसी जीव है। जीव ना हूं मैं तो क्या, हर चीज में आलकस, हर चीज में आलकस। नहीं मार गोरो बिल्कुल भी आलकस न करो सेवा करवाने में, कति आलकस नहीं करवा रो, मालिश करवा रो आराम से। और के अब बेटा फ्रूट खा ले, फ्रूट खाया कर। श्याम ने तरबूज ले आके दूंगी तेरा से। आपको करनी चाहिए थी हमारी, बहुत मालिश करी है मैंने सुबह पर नुहा के धूप में गर्म सर्दियों के माए, और गोड़ा का तेल की मालिश करा करती थी। मेरा वो भी खत्म हो गया नारियल तेल। अरे अपना वो नारियल रखा ना उनका तेल बना ले मधु। अच्छा पपीता का तेल बना ले फिर खाऊंगा। पहले धोती। अरे ये उतार देती पहले मधु से। पपीता काटना सीख लो भाई, किसी ने नहीं सीखा है तो। मैं तो सीखा था। कहाँ सीखा था बता? पापा जी से। हाँ 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 पापा जी से सीखा था मैंने तो। अभी अंदर से सिखा के भेजी थी कैसे ऐसे काट के काटना है। मैं चलो ठीक है करके लाती हूँ। गचड़ पचड़ अभी तो वो खाई खाई सा इन्हें है ना, ये कोना में डालना प्लॉट में इन बीजों ने, फिर पपीता उग जाएगा। प
पपीता की जड़ ना फैले ना, पपीता का बगीचा बना लो। लगाया था ना वे पौधा ना लगाओ, जो हमने नुई फेंका था ना वे पहले लग गया। वे तरबूज और खरबूजा का बीज है गा उधर। बिना मेहनत वाला इतना ज्यादा उग गया और जिस पे मेहनत करी वो कुछ भी ना। तो ये पपीता भी उग जाएगा, पता मेहनत क्या करी। तो तोरी की सब्जी के लिए बोल रही थी ना अच्छी ना लगे तोरी, फिर तोरी तोरी खिलाओगी इसलिए तेरे तोरी के बीज ना ना उगा है ना। उग रहा है, एक उग रहा है, एक तोरी भी उग रही है और घिया भी उग रही दो तीन, और उसके बाद वो खरबूजा तो उग ही रहे हैं। वो तो बहुत ही अनलिमिटेड है। चलो जी अब हम घूमने के लिए जाएंगे, शाम को 6 बज चुके हैं और उसका बाद में देखते हैं हाईवे की साइड में जाएं या भाई मार्केट साइड में जाएं। तो गर्मी है वैसे तो, क्या करें मधु, गर्मी है तो गर्मी में कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो मिलते हैं आगे चल के। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, आज फिर हम वॉक के लिए निकले हैं। 3-4 दिन तक तबीयत ख़राब थी हमारी और आज थोड़ा लेट हो गए हम। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना, मेरे मालिक मेरे दाता मेरे परम पिता परमात्मा, सभी को खुश रखो, सभी को अपना आशीर्वाद देकर रखो, अपने चरणों में रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मीना जी की फुलवारी है, बहुत सेवा करती है भाई पेड़ पौधों की, बहुत अच्छी सेवा करती है। और ऊपर भी बेल चढ़ रही है, मैं दिखाती हूँ आपको फुलवारी। दिखा बहुत अच्छी सेवा करती है, बहुत अच्छी। आ जाओ भाई लेट हो रहे हैं। अच्छा ये तो मैं समझ गई, ये मम्मी जी चली गई है अपने एक्सरसाइज करने के लिए। जबरदस्त जोर वाला काम कर रहे हो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम यहाँ पार्क में आए घूमने के लिए और हमने एक्सरसाइज की है, यहाँ घुमाई की है और पार्क का नज़ारा देखो। उधर योगा क्लास चल रही है और इधर भी कुछ लोग योगा कर रहे हैं। लेडीज़ें कुछ कम हो गई है अब क्योंकि उन्होंने काम संभालना है, और लेडीज़ें भी एक्सरसाइज कर रही है। बहुत अच्छा रौनक है, थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी रौनक थी, बहुत ही अच्छी रौनक थी। उस टाइम हम घुमाई कर रहे थे यानी कि दौड़ लगा रहे थे तो वीडियो नहीं बना पाए।